तमाम बूथों पर लोग धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। अभी हम लोग आने आपको दिखाया कि किस तरह कांग्रेस के जो प्रत्याशी थी श्वेता सिंह, वो अपना मत का प्रयोग कर कर बाहर निकली है। अभी बोकारो के विधायक श्री ब्रिंची नारायण भी अपना मत का प्रयोग कर कर बाहर निकले हैं। विधायक जी हमारे साथ हैं इस समय। विधायक जी, प्रचार प्रसार 30 दिनों तक जमकर आप लोगों ने किया है, अब जनता की बारी है, तो क्या लगता है कि इस मैच में जनता आपको कहाँ रखेगी? जनता अपने हृदय में रखेगी। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 30 दिनों तक जिस प्रकार का वायुमंडल बोकारो विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला है, वो वायुमंडल ये कह रहा है कि बोकारो की जनता ने पिछली बार जो अपना रिकॉर्ड बनाकर लगभग 73,000 वोटों से जिताकर रांची भेजा था, बोकारो की महान जनता अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ने वाली है। पूरे बोकारो सिटी की जब बात होती है, तो शहर के शहरी क्षेत्र की जब बात होती है, तो वहाँ मत प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। तो सुबह सुबह आप वोट करने आए हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे? मैं बोकारो की महान जनता से आग्रह करता हूँ कि मतदान अवश्य करें। मतदान हमारा अधिकार है और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए मतदान अति आवश्यक है। और मैं आग्रह करता हूँ कि अपना मतदान करें, मताधिकार का प्रयोग करें, यह बहुमूल्य है, इसे ना चूकें। लोग कहने लगे हैं कि इस बार कांग्रेस आप में जोरदार टक्कर होने वाली है, तो क्या टक्कर होगी कि दूर दूर है? अरे कोई टक्कर नहीं है, आप लोग आए हैं वोट देकर जा रहे हैं, पता करिए, आप सर्वे करिए, कोई टक्कर दूर दूर तक नहीं है। और यहाँ मैंने कह दिया कि कोई भी प्रत्याशी ऐसे नहीं है जिनका जमानत बचने वाला है, कांग्रेस का भी जमानत जब्त होगा उनके, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अच्छा, इन चुनाव प्रचार में भावी भी 30 दिनों तक कंटिन्यू बनी रहे, तो क्या लगता है, गांव में गई, शहरों में गई, हर जगह आपने वोट मांगा, आज खुद अपना मत का प्रयोग करने के लिए यहां पर आए हैं, तो क्या लगता है जनता का उत्साह देखकर? मैं गांव देहात में बहुत दौरा की और पूरे बोकारो विधानसभा का दौरा की, और जैसा पिछली बार जनता ने अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया था, इस बार भी वही वो दोहराने वाले हैं। फिर से विकास के नाम पर जो 5 साल बोकारो विधायक जी ने पूरे बोकारो विधानसभा में किया था, इस बार भी जनता उन्हें अपना समर्थन देगी, पूरा भरपूर समर्थन देने वाली इस बार भी। तो सुना आपने, ये विधायक जी की पत्नी नीना नारायण जी हैं, जिन्होंने करीबन 15 दिनों तक अपने पति के लिए हर एक गाँव देहात शहर में जाकर वोट मांगा था, और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह उन्होंने वोट मांगने का काम किया था, जनता उनका साथ देगी। लेकिन अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 23 तारीख को ही पता चल पाएगा कि विधायक जी जो दावा कर रहे हैं, उनकी पत्नी जो दावा कर रही है, वो कितना सच हो पाएगा। 23 तारीख को जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है, आप तस्वीरों में देख लें। अब मत प्रयोग के बाद 23 तारीख को यह पिटारा खुलेगा, और इस पिटारे से कौन बाहर निकल कर आएगा और बोकारो का अगला कौन विधायक होगा, ये 23 तारीख को ही पता चल पाएगा। कैमरामैन देवेंद्र के साथ जीपी मानसू।